स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसमें आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो वर्कबुक प्रोवाइड की गई है इंग्लिश सब्जेक्ट की, ग्रेड 3rd से लेकर 5th तक की, उसमें हम आपको वर्कशीट आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट्स, हम लोग आज वर्कशीट नंबर जो आपकी 100 है उसमें पहुँच चुके हैं, और चैप्टर नंबर 24 जिसमें हम आई लाइक यानी अपनी पसंद, मेरी पसंद, लाइक यानी पसंद करना, आई यानी मैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और हमें कुछ नहीं करना है, उनकी एक वर्कशीट को हम आसान भाषा में समझेंगे। ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहले की वीडियो लेक्चर की तरह ये वीडियो लेक्चर भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है। ये एलिफेंट है, वो अपनी पसंद बता रहा है। एलिफेंट यानी हाथी, वो क्या बोल रहा है, आई लाइक यानी मैं क्या पसंद करता हूँ, बनाना। मतलब हाथी को क्या पसंद है, केले, बनाना। रैबिट को क्या पसंद है, कैरेट यानी गाजर, आई लाइक कैरेट यानी गाजर। बिल्ली को क्या पसंद है, मिल्क यानी आई लाइक मिल्क, मिल्क यानी दूध। लड़की को क्या पसंद है, आइसक्रीम, तो क्या हो गया, आई लाइक आइसक्रीम। लड़की को क्या पसंद है, मैंगोस, तो आई लाइक मैंगोस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्या बोल रही है, चीटी, आंट यानी चीटी, आई लाइक शुगर यानी मुझे शुगर पसंद है, मीठा। ठीक है, फिर हम वर्कशीट नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, मैच द कॉलम करना है। ठीक, अभी हमने देखे थे ना किसको क्या पसंद है करके, चलो देखते हैं। एलिफेंट को क्या पसंद था, जल्दी से बताओ, एलिफेंट को बनाना पसंद है, बनाना यानी केले, इससे मैच कर देंगे। आंट, आंट यानी चींटी, चींटी क्या पसंद थी, शुगर, शुगर यानी चीनी या शक्कर, इससे मैच कर देंगे। तोता को क्या पसंद थी, चिली यानी मिर्च, तो तोता पैरेट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको चिली, चिली यानी मिर्च, इससे मैच कर देंगे। रेबिट को गाजर पसंद थी, गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेट, ये हो गया रेबिट यानी खरगोश। कैट यानी बिल्ली, बिल्ली क्या पसंद है, दूध, तो दूध को इससे मैच कर देंगे, मिल्क से। ठीक है, बढ़े आगे वर्कशीट नंबर 102 की तरफ। वर्कशीट नंबर 102 में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, हमें अपनी पसंद की चीज़ को चुनकर लिखना है। जैसे यहाँ पे ये तीन बने हुए हैं, है ना, आई लाइक, अब आप केला पसंद करते हो, बनाना यानी केला, आपको केला पसंद है, आम पसंद है या सेब पसंद है, सेब को इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं, आम को मैंगो बोलते हैं, केला को बनाना बोलते हैं। तो इसको मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंगो पसंद है मुझे, तो मैंने मैंगोस लिख दिया। आई लाइक, आप कलर पूछ लिया, रेड अच्छा लगता है, लाल, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, तो मुझे रेड अच्छा लगता है, तो मैंने आर ई टी रेड फिलअप कर दिया। इसमें पूछ रहा है कि आपको मिल्क अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, चाय अच्छी लगती है, जूस, मुझे मिल्क अच्छा लगता है, तो मैंने मिल्क फिलअप कर दिया। अब आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, हॉकी अच्छा लगता है, खो खो, मतलब कौन सा गेम अच्छा लगता है, खेल, मुझे खो खो अच्छा लगता है, तो मैंने खो खो लिख दिया। आपको जो अच्छा लगेगा आप फिलअप कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, अब फ्लावर पूछ रहा है, लोटस अच्छा लगता है, सनफ्लावर या रोज़, रोज़ यानी गुलाब, सनफ्लावर यानी बोला जी सूरजमुखी, और लोटस यानी कमल, तो यहाँ पर रोज़ हो गया, आई लाइक रोज़, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 102 कंप्लीट होती है। हम वर्कशीट नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ठीक है, 103 के लिए आई लाइक बनाना, मुझे केला पसंद है, आई लाइक कैरेट्स, मुझे क्या पसंद है, गाजर पसंद है, मैंगोस, आई लाइक मैंगोस, मुझे आम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक ऑरेंज यानी मुझे संतरा पसंद है, आई लाइक मिल्क यानी मुझे दूध पसंद है, आई लाइक ग्रेप्स यानी मुझे अंगूर पसंद है, आई लाइक रोज़ यानी मुझे गुलाब का फूल पसंद है, आई लाइक एप्पल्स यानी मुझे सेब पसंद है, आई लाइक शुगर यानी मुझे शक्कर पसंद है। ये आपको फिलअप करना था, पजल के फॉर्म में था। ठीक है ना, ओके, अब हम बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 104 की तरफ। तो यानी हमें चित्रों की सहायता से क्या करना था, वाक्यों को पूरा करना था। ठीक, अब देखते हैं, जैसे देखो ये पहला वाला देखते हैं, ये एलिफेंट है और ये क्या है, शुगर केन का है, तो द एलिफेंट लाइक क्या, शुगर केन यानी गन्ने का जो पेड़ है ना उसके बारे में बात करते हैं। गन्ने के पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर केन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मंकी है, इसको क्या पसंद है, बनाना, द मंकी लाइक्स बनाना, बनाना की स्पेलिंग क्या है, BANANAS। रेबिट है, रेबिट को क्या पसंद है, कैरेट, देखो ये CARR है ना, ये डबल आर है, इसको याद रखना, सी, मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, CARROTS कैरेट। ये काऊ है, इसको क्या पसंद है, घास, घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रास। बिल्ली है, केट, इसको क्या पसंद है, दूध, तो ये मिल्क हो गया। गॉड, बकरी, उसको क्या पसंद है, पत्तियाँ, लीव्स यानी पत्तियाँ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 105 की तरफ, जिसमें हमें क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को देख के उनके आंसर देना है। ठीक, क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट यानी क्या, डू यानी करना, यू यानी तुम, लाइक यानी पसंद, तुम्हें क्या पसंद है, आई लाइक मिल्क, मुझे दूध पीना पसंद है, आई लाइक मिल्क। व्हाट डज एन एलिफेंट लाइक, यानी हाथी को क्या पसंद है, तो एन एलिफेंट लाइक्स बनाना, एलिफेंट को क्या पसंद है, बनाना यानी केले। व्हाट डज अ रैबिट लाइक, खरगोश को क्या पसंद है, कैरेट, तो रैबिट लाइक कैरेट,
और इसी को यहाँ पे लिखना है, चार लाइन वाली कापी में आप आराम से लिख लेंगे। इसमें मुझे बताने की कुछ आवश्यकता है नहीं। यदि आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? तो क्या बोलता है, नो आई डोंट लाइक आइसक्रीम, यानी मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। आपको अच्छी लिखती है लिख देना यस आई लाइक आइसक्रीम, यस आई लाइक आइसक्रीम। नो की जगह यस कर देना, डोंट को हटा देना, लिख देना यस आई लाइक आइसक्रीम। इसको नहीं है तो इसने लिख दिया नो आई डोंट लाइक आइसक्रीम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें पसंद नापसंद के बारे में आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर भी आपको अच्छा लगेगा। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए।